मेरा न्यू बकरा आ गया फाइनली, सो चले उसके बाद चलते। तो गाइस अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 3:15 हो रहे हैं और आज का ये व्लॉग इतना लंबा बनने वाला है, क्योंकि बताऊँ क्यों, अभी मैं व्लॉग बनाऊँगा बकरा के बाद वो सब बनाने के बाद 8 बज जाएंगे 9 बज जाएंगे, ये सब करने के बाद फिर 8-9 बजे में व्लॉग एडिट करने के बाद एक क्लिप व्लॉग की एक और बनाऊँगा। वो क्लिप व्लॉग आने के मतलब मैं 10 बजे एक और व्लॉग शुरू करूँगा, फिर वो मैं पूरी शाम रात दिखाऊँगा उस व्लॉग में, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कुर्बानी क्या हुई, फिर उसके बाद मैं वो व्लॉग वहाँ पर एंड करूँगा, उसको एडिट करूँगा, उसको डालूँगा, उसके बाद एक और व्लॉग रेडी करूँगा, उसमें मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा उनको खत्म करूँगा, दूसरे दिन का व्लॉग शुरू होगा, तीसरे दिन का शुरू होगा, ऐसे बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। अभी 3 दिन है बकरा ईद के, तो बहुत भर भर के व्लॉग आएंगे आपके पास, सब देखेंगे, सब तो आग लगा देंगे। जो चांद रात की पूरी रात का व्लॉग होगा ना, वो व्लॉग मैं आपको दिखाऊँगा, वो आई थिंक आप तक पहुँच जाएगा 1-2 बजे तक जहर के वक्त, ठीक है। अब पूरे चांद रात दिखाने के बाद जब शाम को मैं व्लॉग ख़त्म करूँगा, फिर मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगा, उस वक्त जब मैं दूसरा व्लॉग भी ख़त्म करूँगा फिर मैं घर आऊँगा, घर आने के बाद वो व्लॉग तो मैं रेडी रखूँगा, जो पुराना वाला व्लॉग होगा उसको एडिट करूँगा, फिर उसको डालूँगा मेरे दोहर के वक्त, वो जब जल जाएगा व्लॉग उससे पहले मैं और व्लॉग बना रहा हूँ उसको भी एडिट करना है, बहुत सारी एडिटिंग लगने वाली है मोबाइल में, और मोबाइल की बैटरी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अभी कितनी है वैसे 96 है, लेकिन मुझे अभी इसकी बहुत हुआ था, शाम तक मैं इसको और चार्ज करूँगा, ठीक है चलो ओके हो गया, अभी थोड़ी देर में बहन आएगी फिर हम जाएंगे। उसके बाद हम निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, अभी हम निकल जाएंगे बकरे के लिए, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे 5-10 मिनट। तो गाइस ये बकरा है, आप देख सकते हैं, आपको देखें ये बकरा है हमारा, ये घास खा रहा है अभी। तो गाइस अगर मैं उसको खिलाऊँगा, ये और 2-3 ये लंबा और तो खाएंगे। बकरा चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरी बहन जला रही है, ठीक है ये देखा, ये रुकता है फिर ये देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर चलता है, शक्ल देखो इसकी, अभी जा रहा है ऊपर गाय, जब देख सकते हैं ऊपर कितनी गायें बैठी, बस सुबह ना मैं बांध रही हूँ उसको, सही है चले 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 चले। अभी का अंधेरा बहुत हो रहा है स्क्रीन पे, लेकिन मैं आ गया हूँ, ऐसा ही कह देगा, ऐसा ही पर्दा है, तो बस मसला ये मम्मा सो रही हैं, सो मैं बैठा, मैं अभी आ गया हूँ मकर के पास से नहा वहा के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी मुझे मामा का आज रोजा था ना, तो मुझे आज क्या करना है, मुझे शाम को जाके ना दही लेकर आनी है, दही नहीं वो खजूर लेकर आनी है, तो उसके बाद मुझे मामा रोज़ा रखा है, उसके लिए सामान भी थोड़ा बहुत लेकर आना है, तो उसके लिए मैं बेड पर बैठा हुआ था, मेरे को ब्राइटनेस नहीं आ रही थी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ब्राइटनेस सही आ रही है, सो मामा रोटी के तो मैं जाऊँगा 6 बजे तक, बहुत थक गया हूँ यार, लेकिन नींद नहीं पूरी करी हुई है, तो थोड़ा लेट आते हैं, थोड़े लेटते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं 6-7 बजे तक। आई थिंक ये बकरों का व्लॉग था और मैं अब ख़त्म करूँगा थोड़ी देर में, उसको अभी नहीं कर रहा, थोड़ी देर में करूँगी,
कि ना कुछ है नहीं दिखाने को, तो चांद रात की रात दिखाऊंगा ना, तो वो बाद में दिखाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ी देर में दिखाता है, थोड़ी देर में मिलता है मुझे। मैं तो आपको बोलता हूँ मैं खजूर लेने जाऊँगा, लेकिन मम्मा तो मुझे खजूर दूर पता क्या क्या लेकर जा लेने के लिए बोल रही थी। मैं कहा बताइए इतना बड़ा है क्या करूँगा, मैं कहा बस जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर में शॉप वाले को मैंने फ़ोन किया, मम्मा शॉप ने शॉप वाले को बोला कैसे था आप ले आएंगे, बहुत सारा सामान था, 3-4 किलो दूध मैं उठा के लाऊँ अकेला, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा कल ही दे मेरा बुरा हाल हो जाना है। तो उसकी गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9, और अभी मैं थोड़ी देर में ब्लॉग ख़त्म करूँगा, लेकिन उससे पहले बकरी को खाना देने जाना, क्योंकि बकरा जब हम गए थे उस पर 3 बजे तक उस वक्त उसने खाना खाया था, उसके बाद उसने इससे खाया भी नहीं, तो मैंने बहुत कम छोड़ के गए थे क्योंकि वो खा नहीं रहा था। अभी हम यार दोस्त मैसेज अभी हमको जाकर उसको थोड़ा खाना देना है, फिर मैं वही ब्लॉग एंड करूँगा, ठीक है? आपको लग रहा होगा इतना एनर्जेटिक क्यों है सुबहान, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। चलो गुस्सा किस बापे, वो आपको बात बताएँ, ठीक है? तो अभी चलते हैं वहाँ पर, गुस्सा किस बापे आ रहा है, क्योंकि ब्लॉग बहुत एडिटिंग करनी है और ये सब, और आसान भी होने लगी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ी देर में मैं अभी जाऊँगा, उसके बाद थोड़ा खाना देना है, फिर वहीं पर ब्लॉग एंड करके घर आके एडिटिंग, फिर एक ब्लॉग स्टार्ट। इस ब्लॉग को हम आज एंड करते हैं। मेरा प्लान नहीं है रात भर बकरों के पास रहना चांद रात पूरी, क्योंकि पूरी रात की किसी की हिम्मत नहीं होती, और पहली बार मैं अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत गहना अजीब सा बेसमेंट है वो, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। कि बड़े को मेरे से जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मम्मा मुझे बोलती हूँ ना, मैं कहूँ मैं जा सकता हूँ, लेकिन मम्मा मुझे मना करती हैं कि मत जाओ अकेले। मैं मामू मम्मी के साथ पूरी रात हूँ वहाँ, उनको नहीं कर सकता ना। तो आज सुबह को थोड़ी देर में जाऊँगा रात को, उसके बाद आपसे मिलूँ, रात को जाऊँगा। और तो अभी मैं इनको फिट करके आ गया हूँ, सब कुछ खाना वाना देखकर, मामू मैं सब कर रहे, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत अंधेरे से कुछ दिखेगा भी नहीं आपको। सो अभी मैं ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, अगला ब्लॉग आया तक कल पहुँच जाएगा, ये ब्लॉग अभी पहुँच रहा है, कल पहुँच जाएगा आपसे अगला ब्लॉग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।